कक्षा 9 ग्रेड के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज हिरण के सूत्र से संबंधित प्रश्नावली 12.1 का हम चौथा सवाल देखते हैं। पूर्व में जो कुछ सवाल कराए थे उसके आगे का देखिए। चौथा सवाल में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो देखिए हल करते हैं। हमने एक भुजा मान ली ए 18 सेंटीमीटर पहली वाली और बी मान ली हमने 10 सेंटीमीटर। सी हमें मालूम नहीं है तो सी हमें निकालनी पड़ेगी परिमाप से। परिमाप क्या है? परिमाप बराबर 42 है। परिमाप का सूत्र क्या? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42। ए का मान 18, बी का मान 10, सी निकालना हमें बराबर 42। सी बराबर 42 माइनस 28 जोड़ के हटा दिया है तो सी बराबर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। हमारी भुजा सी जो है 14 आ गई। अब हम एस निकालेंगे। एस क्या होता है? परिमाप, अर्ध परिमाप होता। परिमाप को आधा कर दें क्योंकि परिमाप दिया हुआ हमें 42 बटे 2 21 सेंटीमीटर हमारा एस आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे सूत्र अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अंडर रूट एस का मान रखा 21, ब्रैकेट में 21 माइनस 18, फिर 21 माइनस 10, फिर 21 माइनस 14। तो ये 21 आया, किसका 18, 21 में से 18 गया कितना? 3 बचा। 21 में से 10 गया 11 बचा और 21 में 14 गया 7 बचा। 21 के टुकड़े कर दिए हमने 3 गुणा 7, 3 ये ऑलरेडी है हमारे पास 11 गुणा 7। देखिए 3 भी दो जगह गया, 7 भी दो जगह गया। 3 को निकाल लिया बाहर और 7 को निकाल दिया। 11 नहीं, 11 सिंगल है, 11 अकेला है, 11 को अंदर छोड़ दिया अंडर रूट के। तो 3 सत्ते 21 अंडर रूट 11, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया 21 अंडर रूट 11 वर्ग सेमी। अब एक सवाल और देखिए, पांचवा। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 है। 12 अनुपात 17 अनुपात 25 है और इसका परिमाप जो है 540 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऐसे सवालों में हम अनुपात के लिए मान लेते हैं। एक को हमने कोई कांस्टेंट कोई संख्या ले लेंगे, उसको मान लेंगे बीजगणितीय संख्या। तो देखिए ए बराबर हमने 12x, बी बराबर 17x और सी बराबर 25x। अब परिमाप लिख देंगे, परिमाप बराबर 540 हुआ। तो परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 540। ए का मान 12x, बी का मान 17x और सी का मान 25x बराबर 540। अब इनको जोड़ेंगे हम 12, 17 और 25 को, कितना हो जाएगा? 54x हो जाएगा। ये 54x बराबर 540, x बराबर 540 बटे 54, 54 से 540 10 बार कट गया, x का मान 10 आ गया। अब ये x का मान हम a, b, c के मानों में रख देंगे। देखिए पहले a का मान कितना था? 12x था, तो 12 गुणा 10 120 सेंटीमीटर आ गया। b का मान 17x, 17 गुणा 10 170 सेंटीमीटर आ गया। c का मान 25x, 25 गुणा 110, 25 गुणा 10 ये 250 सेंटीमीटर आ गया। इस तरीके से हमने तीनों भुजाएं अब अलग अलग निकाल ली, एक्चुअल पोजिशन निकल आई। अब s का मान क्या होता? परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप होता। परिमाप हमें दिया हुआ 540, 540 बटे 2, 270 सेंटीमीटर आ गया s। सूत्र लगाएं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब देखिए बराबर लगाएंगे 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। यहाँ बचा 270, तो यहाँ आ गया, इसमें से 150 बच रहा, और 270 में से 170 गया 100 आ गया, और 270 में 250 गया 20 आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें हमें चार जीरो दिए हुए हैं, दो जीरो ये, दो जीरो ये, इनको अलग करके 10,000 अलग कर लिया हमने। ये 27 लिख दिया, यहाँ 15 लिख दिया, 20 ऐसे उतार दिया। देखिए जब चार जीरो हैं अंदर अंडर रूट के अंदर, तो ये आधे करके इनको बाहर निकाल लेंगे, 100 आ जाएगा बाहर निकल के। 27 के टुकड़े कर देंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 और फिर 3 गुणा 5 15 का हो गया 20 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5। देखिए अब क्या करेंगे, 100 तो हमारे पास ऑलरेडी है, 3 एक जोड़ा इसमें 3 ही आ गया, एक जोड़ा का 3 ही आ गया और 5 का इसमें से 1 5 आ गया, 2 में से 1 2 आ गया। तो इनकी गुणा करते हैं, 2 5 10 30 30 90, 90 की 100 से गुणा करेंगे तो 9000 वर्ग सेमी। इस तरीके से ये हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और भी प्रश्न है उनका भी क्षेत्रफल हम इसी विधि द्वारा निकाल सकते हैं। तो आज के पीरियड में बस इतना ही। अनुमति दीजिए, थैंक यू।